मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांडुर्ना को जिला बनाए जाने की घोषणा होते ही राजनीतिक बयान सामने आने लगे हैं। एक ओर जहां भाजपा के प्रत्याशी प्रकाश सिंह उइके ने बयान देते हुए कहा कि एक महीने में जिले का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा कि मांग को पूरा कर पांडुर्ना को जिला मुख्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को 3 तहसील सौंसर, नांदनवाड़ी और पांडुर्ना को जोड़कर जिला बनाने का 1 माह में नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पांडुर्ना की जनता की तरफ से, पूरी पांडुर्ना विधानसभा की तरफ से देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी इस मांग को पूरा किया और पांडुर्ना को जो है जिला मुख्यालय और सौसर और नांदनवाड़ी को मिला के एक जिला बनाने की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा में अमल करने के लिए उन्होंने हाथों हाथ कलेक्टर साहब को भी बोल दिया है कि 1 महीने के अंदर हमारे जिले का नोटिफिकेशन दिया जाएगा और हमारा पांडुर्ना जो है वो 3 तहसीलों को मिला के सौसर, नांदनवाड़ी और पांडुर्ना मिला के पांडुर्ना हेडक्वार्टर होके जिला बन जाएगा। घोषणा पर अपनी बात रखते हुए विधायक नीलेश उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2008 में भी घोषणा की थी लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई। मैं और पांडुर्ना की जनता उस समय इस घोषणा को मानेंगे जब जिला अस्तित्व में आ जाएगा और कलेक्टर एसपी यहां बैठने लगेंगे। मेरा इसमें यह कहना है कि इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार घोषणा पांडुर्ना को जिला बनाने के लिए कर दी है। मैं तो तब मानूंगा, पांडुर्ना की जनता तब मानेगी कि जब पांडुर्ना जिला अस्तित्व में जाएगा और एसपी पांडुर्ना में बैठने लगेंगे। भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक नीलेश उइके के बयान कहां तक सार्थक होते हैं यह तो वक्त बताएगा।